बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी शराली सदरी। हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस के बारे में डिटेल में बात शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि हम उसकी बेस को समझें। दुनिया की हर जुबान की बेस साउंड से स्टार्ट होती है। साउंड्स और उनके लेटर्स ऑफ अल्फाबेट जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मिलते हैं तो वर्ड्स की क्रिएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक लफ्ज लिखा कैट, ख एट कैट। लेटर्स ऑफ अल्फाबेट क्या है? सी ए टी। साउंड्स इनकी क्या है? ख एट कैट। तो जब ये तीन साउंड्स मिली आपके जहन में एक एनिमल आया, तो जिससे मुझे पता चला कि साउंड्स when combined in a certain order they make a specific word that has some specific meaning। जब ये बात हम sentence पर लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि combination of some certain words in a specific order they make a sentence। For example, मैं कहती हूँ you are studying English। अब इसमें इन तमाम वर्ड्स का अपने ओन पर अलग अलग कुछ मीनिंग जरूर है, लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक तरतीब में यहाँ पर डिस्प्ले भी बहुत ज़रूरी थी। अगर हम इन लफ्ज़ों को आगे पीछे कर देंगे तो आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, बल्कि बात ही समझ में नहीं। सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया जाए। अब हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि हमने एक सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स को अरेंज कैसे किया? तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इज द एक्टर। वर्ब कौन है? उस एक्टर का एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो नाउन है जो कि डायरेक्टली रिसीव कर रहा है एक्टर के एक्शन को, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यू आर स्टडिंग इंग्लिश। एक्टर कौन है? आप। आपका एक्शन क्या है? स्टडी कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। सो दैट्स हाउ अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स, ये सिंपल सेंटेंस टाइप्स। पहली टाइप हमारे पास है असर्टिव, फिर हमारे पास है इंट्रोगेटिव, then we have exclamatory, imperative and optative sentences। assertive sentences kya hai? aap inko positive sentence kehte hain। any statement, i am a teacher, you are a student, he is a banker, we are studying, i am teaching, ye sare kya hain? ye assertive sentences। fir hamare paas interrogative sentence hai, naam se pata chal raha hai ki there is some direct question। Who are you? What's your name? WH family के जो words हैं, question words हैं, उनसे start होता है और इसके end के ऊपर जो है वो एक question mark आ जाता है। फिर हमारे पास exclamatory sentence है जिसमें आपके कुछ emotions का display हो रहा है। Oh, I'm so sorry. I forgot to do my assignment. Oh, I am sorry बोला तो इससे पता है कि I am really very sorry. I feel ashamed for not bringing my assignment. It's showing my emotion. Exclamatory sentence kahenge usko, and mostly iske end par ek exclamation mark bhi aata hai. Fir hamare paas hai imperative sentence. Imperative sentence wo hota hai jisme koi command di ja rahi hai ya kuch request kiya ja raha hai. Imperative sentences mein mostly subject jo hai wo missing hota hai, nahi hota. Lekin understood baat hoti hai ki subject agar teen hai to iska matlab teen hai. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ प्लीज़ कम इन। जब मैंने प्लीज़ कम इन कहा तो इस सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट था ना ही कोई ऑब्जेक्ट था, जस्ट एक एक्शन था, वर्ब था, बट स्टिल यू कम इन। यू जो था वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट था। तो दैट्स हाउ इम्परेटिव सेंटेंस कुछ कमांड की जा रही होती है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है। एंड देन आखिर में हमारे पास है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव होते हैं जिसमें आपकी कोई विश के बारे में आपने बात की।
आपने किसी विश के बारे में बात की। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा I wish I were a bird, जिसमें सर्टन सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो यूज होता है। तो सच आपके जो सच सेंटेंस वो कहलाते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जो पहली टाइप है हमारे पास वो है सिंपल सेंटेंस की, जिसके बारे में अभी बात कर चुके हैं। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसके मौजूद होती है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और जिसमें एक वर्ब हो। द डॉग बार्क्स, एक्टर कौन है, द डॉग, एक्शन क्या उसका, बार्क्स। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरी टाइप हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सेपरेटेड बाय ईदर सेमी कोलोन या फिर कॉमा या फिर कंजंक्शन। कंजंक्शन में हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंस में देने के लिए वो है फैन वॉइस, फैन वॉइस, फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो। तो कंपाउंड सेंटेंस की पहचान ये है कि सेंटेंस के जो दो क्लॉजेस होते हैं दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, और उन दोनों क्लॉजेस के दरमियान या तो आपको सेमीकोलन नज़र आएगा या आपको कॉमा नज़र आएगा या फिर आपको फैन वॉइस में से कोई एक कंजंक्शन नज़र आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिखी हुई है, द पायरेट कैप्टन लॉस्ट द ट्रेजर मैप बट ही स्टिल फाउंड द बैरेड ट्रेजर। तो आप देखिए कॉमा है और कॉमा के साथ कंजंक्शन फैन वॉइस में से बट जो है वो यूज। तीसरी हमारे पास टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसी सेंटेंस टाइप है जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, जो कि किसी कंजंक्शन के साथ ही सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मिली हुई होती हैं। बिकॉज द सूप वॉज टू कोल्ड आई वॉर्म्ड इट इन द माइक्रोवेव। अब जिस क्लॉज के साथ बिकॉज आ गया वो तो हो गई डिपेंडेंट क्लॉज, और जो क्लॉज अपने ओन पे खड़ी हो सकती है आई वॉर्म्ड इट इन द माइक्रोवेव, तो ये कहलाएगी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आपने देखा कि दोनों अपनी मीनिंग के लिए एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, कॉमा का इस्तेमाल किया गया है और एक जो क्लॉज है वो कंजंक्शन के साथ ओपन हो। तीसरी हमारे पास चौथी टाइप है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्बिनेशन है कंपाउंड सेंटेंस का और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, दोनों की क्वालिटीज इसमें मौजूद है। कंपाउंड सेंटेंस की क्या क्वालिटी है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या है, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, राइट। अब देखिए एग्जांपल देखिए, दो माइकल एंजॉयज वॉचिंग कॉमेडीज, ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाय थ्रिलर एंड ही एंजॉयड इट वेरी मच। यहाँ पर क्या हुआ कि He rented the latest spy thriller. ये एक आपके पास independent clause आ गई, and he enjoyed it very much. ये भी एक independent clause आ गई। यहाँ पर and का जो word आया है वो एक continuation के sense में आया, ना कि as a conjunction आया, ठीक है। And do Michael enjoys watching comedies. यहाँ पर जो do है इसने इसको क्या बना दिया, इसने इसको dependent clause। So that's how combination of two independent and वन डिपेंडेंट क्लॉज ने इसको एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्म दी।